हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास एट्थ चैप्टर रैशनल नंबर, फिफ्थ पार्ट आप सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस 25 बाय -30 विद न्यूमरेटर एज, पहला पार्ट 70, बी -40, सी -55, डी 80 एंड ई कितना -35। आप इन देखिए इक्विवेलेंट लिखने हैं, ठीक है। अपन न्यूमरेटर गिवन है, अपन डिनोमिनेटर नो फाइंड करना है। तो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। हुण अपने को क्वेश्चन की है, 25 बाय -30 इज इक्वल टू दे न्यूमरेटर गिवन है, उपर वाला न्यूमरेटर हों, थले वाला की होंगे डिनोमीनेटर। उपर वाला गिवन है, उपर वाला कि अपने को 70, ठीक है। उपर वाला अपने को 70, थले वाला अपन नहीं पता तो आप कि लिखा एक्स, तो इतने लिख देंगे लैट एक्स बी द डिनोमीनेटर। एक्स अपने कोल की है डिनोमीनेटर, ओके। हुण इहनू आपां सोल्व करना है, दो रैशनल नंबर इक्वल टू च पए आ तो उत्थे आपां की करदे आ, क्रॉस मल्टीप्लाई करदे आ, ठीक है। जदों दो रैशनल नंबर आपस दे विच इक्वल टू च पए होण, उत्थे की हुंदी है क्रॉस मल्टीप्लाई हुंदी है। तो आपां की लिखांगे, 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 70 मल्टीप्लाई बाय -30। मैं की कीता, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ओके। 25 नू एक्स नाल मल्टीप्लाई किया, -30 नू 70 नाल मल्टीप्लाई किया। हुण देखो 25 नू एक्स नाल करांगे तो कितना आ गया 25x, 25 नू एक्स नाल मल्टीप्लाई किया 25x आ गया। इधर मल्टीप्लाई करो कितना आ गया -2100। 70 नू 30 नाल मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2100। पर आपां तां एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, आपां नूं 25 नूं खत्म करना पएगा। तो आप 6th क्लास 7th क्लास के पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, उत्थे आपां किवें खत्म करते सी इहनूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 25। एक्स दे नाल जिहड़ा भी नंबर है उस नंबर नाल दोवें साइड डिवाइड करांगे। याद रखो, एक्स दे नाल जिहड़ा भी नंबर है उस नंबर नाल दोवां साइड आपां डिवाइड करांगे। तो आप की लिखांगे, 25x डिवाइड बाय 25, -2100 डिवाइड बाय 25। दोवां साइड करना है। रिमैंबर वन थिंग, मैथ दे विच कदे पार्शियलिटी नहीं चलती। मैथ दे विच जो तुसीं लैफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो सेम राइट से करना पएगा। लैफ्ट से मैं डिवाइड किया, मैनू राइट से भी करना पएगा, ओके। हुण 25 नाल 25 कैंसल, इनू जदों तुसीं कैंसल करोगे या डिवाइड करोगे तो कितना आ गया -84, ठीक है। कितना आ गया मेरे को -84, तुसीं डिवाइड करके चैक कर सकते हो। इस तरीके नाल डिवाइड कर लो, पहला किन्ने ते गया 8 ते, ठीक है, कितना बच गया 100, फिर किन्ने ते गया 4 ते, तो कितना आ गया 84। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -84 आ गई। तो आप इनू लिखांगे किवें, अपने को नंबर की आ गया, रैशनल नंबर की आ गया, रैशनल नंबर 70 बाय -84, ठीक है। 70 तो अपन गिवन सी, 84 आप फाइंड कर लिया, तो नंबर की बन गया 70 बाय -84। एक क्वेश्चन आप और सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आप और सॉल्व करते हैं। इस बार अपन डिनोमीनेटर कि न्यूमीनेटर कि गिवन है -40। तो आप लिखा किमें, 25 बाय -30 इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाय एक्स, क्योंकि एक्स मेरे को की है डिनोमीनेटर। मैं लैट कर रखे, लैट एक्स बी द डिनोमीनेटर। दो रैशनल नंबर आपस के इक्वल टू पे आ तो आप ही करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 नूं एक्स नाल कीता, 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सेम -40 इंटू माइनस की आ गया 30। 25 नूं एक्स नाल कीता, -30 नूं -40 नाल कीता, तां 25 इंटू एक्स 25x। इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस की हो गया प्लस, तो मल्टीप्लाई कितनी आ गई अपने को 1200 आ गई, ठीक है, 1200 आ गई। हुण आपां किहनूं खत्म करना है, 25 नूं, 25 नूं खत्म करना है। तो आपां की लिखांगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय
25 दोवां साइड आप 25 नाल डिवाइड करांगे तो कितना आ गया 25x बाय 25 इज इक्वल टू 1200 बाय 25 25 नाल 25 कैंसल लैफ्ट ते की रह गया ओनली एक्स इनू जो कैंसल करोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा ठीक है 48 आ जाएगा डिवाइड करके तुसी चेक कर सकते हो सो रैशनल नंबर की बन गया अपने को रैशनल नंबर ये बन गया अपने को -40 बाय 48 सो दैट इज़ द आंसर बाकी जो सी डी ते ई वाले पार्ट है इनू तुसी की है खुद सॉल्व कर सकते हो तो जे तुहाडा आंसर सही आ जाए तो कमेंट बॉक्स के रिप्लाई जरूर कर सकते हो तुहाडा डिनोमीनेटर कितना आया ठीक है आ लाइन वधिया लिखा करो डिवाइड बोथ साइड बाय किन्दे नाल डिवाइड करना हमेशा जिहड़ा नंबर एक्स दे नाल पिया रिमैंबर वन थिंग हमेशा 25 नाल नहीं डिवाइड करना कदे डिफरेंट भी आ जाएगा चलो इस पार्ट दे विच सारयां च 25 नाल करना पएगा पर कई बार उत्थे डिफरेंट आ जाएगा तो डिफरेंट नंबर नाल करना पएगा नंबर केड़ा होना चाहिए जिहड़ा एक्स दे नाल मल्टीप्लाई च है ओके हमेशा ही उहदे नाल आपां डिवाइड करांगे नैक्सट वीडियो दे विच आपां 6 पार्ट्स नूं सॉल्व करांगे।